चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं शरीर के चक्रों की। कोई उसको चक्कर तो कोई उसको चक्रा बोलता है, कोई उसको पृथ्वी का संचार बोलता है, कोई उसको पृथ्वी का संवाद बोलता है, कोई कुछ भी बोले, हम तो उसको शरीर के सात चक्र बोलते हैं। कैसे हैं वो चक्र, क्या करते हैं वो चक्र हमारे शरीर के, रूह का, वो सब जानते हैं आज। हीलिंग तो करेंगे ही, लेकिन पहले समझेंगे ये सब चक्र क्या हैं। 114 चक्र होते हैं शरीर में, मालूम भी है हम सबको। हम सब बोलते हैं मुझे तो सब मालूम है, लेकिन मालूम तो हमें सिर्फ उतना ही है जितना हमने लोगों से सुना है। आज उसकी पूर्ण परिभाषा समझते हैं कि चक्र क्या हैं। जो 114 चक्र हमारे शरीर में हैं, अगर वो सब चक्र खुल जाएं, तो हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। परमात्मा आके हमको खुद से अपनी बाहों में भर लेंगे। उन चक्रों में कुछ ऐसे चक्र भी हैं जो दिखाई नहीं देते, और कुछ ऐसे भी चक्र हैं जो संचालित नहीं होते। उनमें से 108 चक्र हैं जो हमारे शरीर को संचालित करते हैं। आपको मालूम है पूरी पृथ्वी का चक्र 108 मिनट में होता है। तभी जब हम कोई मंत्र शास्त्र करते हैं, उसको हम 108 बार करते हैं, क्योंकि सूरज की परिक्रमा पूरे पृथ्वी पे 108 बार होती है। जो हमको दिखाई देते हैं वो सात चक्र हैं, और जिनके बारे में हमने कहीं ना कहीं तो सुना ही है। उन चक्रों को हम कहते हैं रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। हर चक्र का अपना एक संचालन है हमारे शरीर को चलाने के लिए। जब एक उसमें से चक्र बंद हो जाता है, तो वही चीज, वही बात हमारे शरीर को जकड़ लेती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि क्यों हो रहा है ये, लेकिन वो ऐसा चक्र जो बंद पड़ जाता है कभी कभी, या हम उस पे धूल जमा देते हैं जब उसको हील नहीं करते हैं, तो वो अपने तरीके से हमें बताता है कि हमें ये चीज को हील करना है, इस चक्र को हील करना है। हम सोचते हैं डॉक्टर के पास जाने से, उसकी दवाइयाँ खाने से सब हो जाएगा, लेकिन उसके बेसिक्स तो हम ठीक कर ही नहीं रहे हैं। अंदर तो हम जा ही नहीं रहे, बाहर बाहर से दवाइयाँ खा खा के सब ठीक करने की कोशिश में है, लेकिन उसको ठीक तो नहीं कर पा रहे हैं। रूट चक्रा का रंग लाल होता है, सुर्ख लाल रंग, वो लाल रंग जो एक औरत शादी का जोड़ा पहन के बनती है। सिंदूर का रंग लाल रंग का होता है। यही है रंग हमारे जीवन के हर चक्र के साथ जुड़े हुए। हर चक्र के साथ वो रंगों का मेला हमारे शरीर को बांधता है, बनाता है, बिगाड़ता है, बताता है हमें कि कौन सा चक्र क्या कह रहा है। जब लोअर बैक में दर्द होती है ना, तो वो रूट चक्रा बंद होता है हमारा। सर में बहुत दर्द रहता है, बहुत माइग्रेन है मुझे, बाल बहुत झड़ जा रहे हैं मेरे, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों झड़ रहे हैं, क्यों नहीं उस चक्र को मैं हील कर देता।
क्यों नहीं उस चक्र को मैं अपना बना लेता और उसको प्यार से सहला के ठीक कर लेता। जब ये समझ हम में आएगी तो हर चक्र ठीक होने लगेगा। ये तो थी बात हमने करी रूट चक्र की। अब हम बात करते हैं सेक्रल चक्र की। ये चक्र जो है ना ऑरेंज रंग का है। ऑरेंज कलर कौन सा होता है? हनुमान जी का रंग बोलते हैं ना, उनका तिलक लगा के लोग घूमते हैं, ये वो वाला रंग है। जो हम ऑरेंजेस खाते हैं ना वैसे वाला रंग, मीठा मीठा सा, गुनगुना सा लगता है देखने में और शायद खाने में भी। जब हम इस रंग को पहनना बंद कर देते हैं ना, या ये रंग हमको देखने से अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब है हमारा सेक्रल चक्र बंद हो रखा है। उसको खोलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि वो क्यों बंद है, क्योंकि तब हम डिप्रेशन के शिकार हो चुके होते हैं। जिंदगी से माया और मोह का कारण तो खत्म नहीं होता, लोगों से मोह माया का कारण जरूर खत्म हो जाता है। चाहते हैं कि चले जाएं यहां से, इस दुनिया से, कुछ नहीं रखा इस दुनिया में मेरे लिए, ऐसी सोच आ जाती है। हम परिवर्तन नहीं करना चाहते, परिवर्तन को समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये हमारा चक्र बंद हो गया है। अब हम बात करते हैं सोलर प्लेक्सस की। ये पीले रंग का है जिसको हम येलो कलर बोलते हैं। जब पीले रंग का फूल देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है, छूने को मन करता है, दिल कहता है उसे देख के कितना खूबसूरत है। और हम कर क्या रहे हैं? अपनी आजादी पे रोक लगा दे रहे हैं, अपने फ्रीडम को बंद कर दे रहे हैं। जब ये चक्र बंद होता है ना तो हम आजादी को महसूस नहीं कर सकते। लोग आके हमें जकड़ लेते हैं, हम अपने आप को उन चीजों से, उन बातों से आजाद नहीं कर पाते। पकड़ लेते हैं उन चीजों को, उन बातों को। पेट में जो इनबैलेंसेस हो जाते हैं ना हमारे, वो इसी कारण होते हैं। वो बटरफ्लाई वाली बात नहीं कह रहे हैं हम कि किसी को देख के पेट में बटरफ्लाईज घूम रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे हैं वो पेट का दर्द। वो दर्द जब होता है तो खाना खाने का मन नहीं करता है ना, डायबिटीज हो जाती है, मीठा खाने को बहुत मन करता है लेकिन खा नहीं सकते क्योंकि हमारे सोलर प्लेक्सस बंद हैं। आज खोलेंगे उनको हम हीलिंग में, इन सब को अपने तरीके से। थोड़ी सी मेहनत करेंगे अपने ऊपर आज, जरूरी है बहुत। अब हम हील करते हैं या बात ही करते रहेंगे? चलिए पहले बात ही कर लेते हैं, फिर करेंगे हीलिंग। फिर आता है हार्ट चक्र, हरे रंग का होता है। संसार को भगवान ने कितना खूबसूरत हरे रंग से बनाया है। हमारी नेचर तो है ही ग्रीन कलर की, हरे रंग की। हरे रंग के पेड़ पौधे, हरे रंग की फूल, हरे रंग की घास, जीव जंतु पलते हैं उन पर, इंसान ही उसकी कीमत नहीं समझ पा रहा। लेकिन जब ये हमारा हार्ट चक्र बंद हो जाता है ना, जब कोई लड़की छोड़ के चली जाती है, कोई लड़का छोड़ के चला जाता है, तो हम सोचते हैं हमारा संसार ही खत्म हो गया है। आजकल तो बच्चे भी अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। तब जब हमारा ये हार्ट चक्र बंद हो जाता है ना, तब हमको हार्ट अटैक्स आ जाते हैं। वो जो
खून का संचार है ना हमारे शरीर में, वो बंद हो जाता है। बंद तो नहीं होता है, कहीं कहीं रुक जाता है। कभी पीठ के ऊपर वाला हिस्सा दुखने लगता है, तो कभी कभी हमारी जो स्किन है ना वो अजीबो गरीब सी हो जाती है, उस पे कभी कभी पिंपल्स आ जाते हैं। हम हिंदी में उनको मुहासे भी बोल देते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। वो सब आ जाता है जब हम उस हार्ट चक्रा को बंद करके बैठे हैं। खोलेंगे आज उसको भी। उसके बाद हम बात करते हैं थ्रोट चक्रा की। नीले रंग का होता है ये नीला रंग जो आसमानी रंग होता है ना, जो बहुत अच्छा लगता है। जब रात में ऊपर देखते हैं तो काला हो जाता है, दिन में तो कितना खूबसूरत दिखता है ना, उसमें सफेद सफेद से बादल कैसे अच्छे दिखते हैं। वो जो है ना, जब हमारा वो थ्रोट चक्रा जब बंद हो जाता है ना, तो मालूम क्या होता है, सामने तो कोई खड़ा है लेकिन अपनी बात नहीं कह पाता, मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं, अपने आप को बता नहीं पाता हूं क्या कहना चाहता हूं तुमसे, बस मन ही मन में सब रख लेता हूं, हर बात को अपने ही अंदर दबा जाता हूं और एक बड़ा सा गुंबद बना लेता हूं अपने शरीर के अंदर। वो गुंबद कभी तो बन जाता है कैंसर, और कभी बन जाता है थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड हो जाता है ना, तो कभी शरीर फूलने लगता है तो कभी सिकुड़ने लगता है। देखा है कभी किसी को? हाँ, वो जब हमारा थ्रोट चक्रा बंद होता है ना, तभी होता है। अपनी बात को ना कह पाना, उसी को कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड आई चक्र पे। कुछ लोग कहते हैं भगवान वास करते हैं वहां पे, सच्ची बात है, करते तो हैं वहां वास, लेकिन क्या हम ये मानते हैं कि भगवान हमारे अंदर है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जिसे हम भगवान कहते हैं? दिखती तो नहीं है, देखे तो नहीं है कभी, कभी महसूस किया है? करके देखो कभी। सबसे बड़ी शक्ति है वो इस पृथ्वी की, इस ब्रह्मांड की। जब ये वाला चक्रा बंद हो जाता है ना, तो हम हर चीज से डरते हैं, और जो साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है ना लोगों को, समझते नहीं हैं क्या हो रहा है, और कभी कभी तो हम बोलते हैं इसको दिमाग नहीं है, कम चलता है इसका दिमाग। वो कम नहीं चलता है, वो हमारा थर्ड आई चक्रा ब्लॉक हो चुका होता है। उसको हम खोलने की कोशिश करें ना, तो देखें हमारी इंट्यूशन पावर कितनी बढ़ जाएगी, सोच कितनी बढ़ जाएगी। वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो जाएगी हमारी। हाँ, वो होता है इस चक्रा को खोलने से। अब हम बात करते हैं क्राउन चक्रा की। मैं एक बात तो आपको बताना भूल ही गई कि थर्ड आई चक्रा का रंग क्या होता है। वो रंग होता है इंडिगो। इंडिगो मालूम है कैसा रंग है? पर्पल रंग के जैसा होता है, पर्पल और ब्लू को मिक्स करके जो बनता है ना, वो वाला रंग। हाँ, जब उस कलर के कपड़े समझ में आने लगते हैं ना, देखने में मन को अच्छे लगने लगते हैं, तो कुछ कुछ वो चक्रा खुलने सा लगता है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी चक्र की, जिसको हम बोलते हैं क्राउन चक्रा। वो हमारे सिर में है, टॉप ऑफ द हेड पे। जब वो खुल जाता है ना, तो परमात्मा से मिलन हो जाता है। परम पिता परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं उस दिन। हम हैं तो आज भी, लेकिन मानते नहीं हैं उसको कि वो है। इतना सुकून हो जाता है कि हमारा सोल भी आके हमसे पूछता है कभी कभी
अरे भाई, मिल गए परमपिता परमात्मा से। हाँ, लेकिन जब ये चक्रा बंद होता है ना, तो हम थोड़ा सा मंद बुद्धि हो जाते हैं। हमारे लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बैठती है, हम लोगों से अलग थलग रहते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हैं। हर थोड़ा सा भी काम करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बहुत थक गए हैं। अगर उसको खोल देंगे ना, उस चक्र को, तो देखेंगे ये टायर्डनेस सब चली जाएगी शरीर में से। चलिए, ये तो सब बातें हो गई, हमने कर ली चक्रा की, बहुत बार सुनी भी हैं, आज उसको एक्सपीरियंस करके देखते हैं। देखते हैं कि आज ऐसी हीलिंग करें कि वो हर चक्र खुल जाए। उसका बीजा मंत्र देते हैं आपको कि आप अपना हर चक्र खोल सकें घर में बैठे हुए, अपने आप, अपनी मर्जी से, अपने दिल से, किसी के दबाव में नहीं, अपने आप से। चलिए, बहुत हो गई बातें, अब हीलिंग करते हैं और समझते हैं इन सात चक्रों को कैसे खोला जा सकता है और अपने आप में एक खूबसूरत सा नया मन और शरीर कैसे पाया जा सकता है। ईश्वर कहते हैं, उदास ना हो, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं, आस पास हूं। पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरा विश्वास हूं। सो इसीलिए मैं आज यहां हूं, क्योंकि आपका और मेरा विश्वास हमें यहां ले आया है। पांव में चप्पल मत पहनिए, एक जगह ढूंढ लीजिए जहां आप शांत बैठ सके या लेट सके। कुछ भी टाइट शरीर में मत पहनिए। अपने मोबाइल फोन को जरा स्विच ऑफ कर दें और शांत होकर बैठें या लेट जाएं। जैसे आप शांत हो जाएंगे ना, तो धीरे धीरे अपनी सांसों के ऊपर ध्यान दीजिए। कैसी हैं सांसें? वैसे ही धीरे धीरे सांसें धीमी होने लगेंगी। विश्वास कीजिए, अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। 2-3 डीप ब्रेथ्स लीजिए और अब अपने शरीर को रिलैक्स कीजिए। आप अब रिलैक्स हो रहे हैं, आंखें रिलैक्स, कान, मुंह, गर्दन, बैक, चेस्ट, स्टमक, लेग्स, सब रिलैक्स हो जा रहे हैं। पांव की उंगलियां तक रिलैक्स हो गई हैं, हाथ की उंगलियां भी रिलैक्स हो गई हैं। मैं एक और ही दुनिया में चला गया हूं, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। ऐसा लग रहा है मुझे, क्या कहां आ गया हूं मैं, एक नई दुनिया में। बहुत सुंदर है ये दुनिया, चक्रा क्लीनिंग की दुनिया। एक लाल रंग की लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपको हील कर रही है।
और सोचिए आप उस रंग में नहा गए हैं, कितना खूबसूरत रंग है लाल रंग। आपके रूट चक्र को हील कर रहा है वो। इसको मन में बोलने दीजिए और उस लाल रंग में आपका शरीर का हर हिस्सा हील हो रहा है। आपका रूट चक्र साफ हो जा रहा है, एक नया सा बन जा रहा है। आप क्लीन हो जा रहे हैं। हील हो रहा है वो लाल रंग आपके शरीर में आ रहा है, हर हिस्से को रंग रहा है। छोटे छोटे लाल रंग सितारों के जैसे आपको हील कर रहे हैं। बहुत खूबसूरती से आप हील हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं हील, हो जा रहे हैं हील, हो जा रहे हैं हील। और जो पत्थर है ना, जो लाल रंग का होता है जिसको हम रूबी बोलते हैं, वो ले जा रहा है आपकी सारी नेगेटिविटी को बाहर, खींच ले जा रहा है और आपको हील करता जा रहा है बहुत खूबसूरती से। लाल फूल है जहां पर अब है आप, इतने खूबसूरत है वो लाल फूल। देखे आपने, बहुत सुंदर है ना। अब हम सेक्रल चक्र को हील करेंगे। ऑरेंज कलर को इमेजिन करिए अपने शरीर में, आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपको हील कर रहा है वो ऑरेंज कलर। शरीर के हर हिस्से में पहुंच गया है, ऐसा लग रहा है नहा गए हैं उस रंग में आप। कितना सुंदर लग रहा है वो आप पे वो रंग, और वो आपको हील कर रहा है। शरीर का हर हिस्सा हील कर रहा है, आपको बहुत खूबसूरत बना दे रहा है, बहुत खूबसूरत। आप हील हो जा रहे हैं। इमेजिन करिए कि वो आपको कैसे हील कर रहा है। ऑरेंज कलर हम हील कर जा रहा है, शरीर में प्रवेश कर जा रहा है, हर अंग में आ जा रहा है, नाखून तक पहुंच गया है वो रंग। उसका बीजा अक्षर है वाह।
मन में बोलिए उसको, और इमेजिन करिए आपने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हैं और आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं और आप हील हो जा रहे हैं, 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 और ये हील हो गए। अब हम सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करेंगे, जो पीले रंग का है, येलो कलर का। येलो कलर की लाइट हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है और वो लाइट हम पे बहुत सुंदर लग रही है, और जो टोपाज होता है ना पत्थर, वो काटेगा सब बैड एनर्जी को हमारे शरीर में से। इमेजिन करिए कि वो आपके शरीर की सारी बैड एनर्जी को काट रहा है, आपको हील कर रहा है। इमेजिन करिए, ले लीजिए हाथ में उसको और काट दीजिए इस एनर्जी को। पूरे शरीर में पीला रंग आ गया है, आपको हील कर रहा है। देखिए कैसे नहा गए हैं उस रंग में आप, कितने सुंदर लग रहे हैं पीले रंग के फूलों में बैठे हुए हैं आप। आसपास सिर्फ पीला ही पीला रंग है, जहां तक नजर जाए वहां तक बस पीला ही रंग है। जिस चीज को छू रहे हैं वो पीले गुलाब हैं, कितने सुंदर है ना वो। हाँ, ये पीला रंग आपको हील कर दे रहा है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको हील कर रहा है ये पीला रंग, आपको हील कर रहा है। आप हील हो जा रहे हैं। इसका बीजा अक्षर है रम। इसको मन में बोलिए, हर अंग में लग जा रहा है ये, और मेरे सोल को भी हील कर दे रहा है। आज इसको हम हील कर ही देंगे, और कर दिया है हील, हो गया है हील। हील हो रहा है ना, हो रहा है हील। करिए उसको ठीक, सब कुछ खोल देगा जब ये हील हो जाएगा। खोल दीजिए उसको, सांस लेने दीजिए उसको। हील हो रहे हैं आप, हो गया हील, हो गया हील। अब चलते हैं हार्ट चक्र की तरफ। हरे रंग का है, और हरा रंग तो वैसे भी परमात्मा ने कितना खूबसूरत बनाया है।
वो हरे रंग की लाइट, वो ग्रीन कलर की लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। अब मदर अर्थ से, वो पृथ्वी से, अपनी मिट्टी से जुड़ जा रहे हैं। वो भी माँ है, हमारी भी माँ है, जैसे माँ अपने बच्चे को कभी रोने नहीं देती ना, हमारी मदर अर्थ भी हमको कभी रोने नहीं देती। उसके साथ जुड़ जाएं और हरे रंग को अपने शरीर में प्रवेश करने दें, जगह बनाने दें उसको अपने शरीर में, आने दे उसे अपने शरीर में, हील करने दे उसे। हर अंग प्रति अंग आपके शरीर का वो हील कर रहा है हरा रंग। और जो इमराल्ड का पत्थर है ना, जहां जम गया है ना वो दुख, उसको निकाल रहा है। जो अब शब्दों का इस्तेमाल किसी ने मेरे लिए किया है उसे ठीक कर रहा है। किसी के चले जाने से मेरा जीवन रुक नहीं गया है, उसे हील कर रहा है वो हरा रंग। इमेजिन करिए वो हरा रंग अपने शरीर में आपको हील कर रहा है, आप हील हो जा रहे हैं। उसका बीजा अक्षर मालूम है? उसका बीज अक्षर यम। यम उसकी वाइब्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग है, अपने शरीर में उसको महसूस करिए, अपने दिल में उसको महसूस करिए, आने दीजिए और जाने दीजिए। जिसका जो वक्त आपके जीवन में लिखा है उसे उतना ही मिलेगा। वो हरा रंग आपको सूरत बना रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है, आप हील हो रहे हैं, आप हील हो गए हैं। टूटे हुए दिल को जोड़ दिया है हमने, सिल दिया है सिलाई से, सुई धागे से सिले भी जाते हैं दिल, ये आज सीखा है हमने। अब चलते हैं और थ्रोट चक्रा को हील करते हैं। नीला रंग है इस चक्र का, बहुत सुंदर वाला नीला रंग, हर किसी को पसंद आता है ये रंग, जानते हैं क्यों? आसमान का रंग है ये, दिल को छू जाता है ये रंग, आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है ये रंग। और जो ब्लू कलर का सफायर है ना, वो सब जो हमारे शरीर में रंग बिरंगे रंग भर गए हैं ना, जो सब नेगेटिविटी के, वो निकाल दे रहा है, काट दे रहा है उनको कॉर्ड्स के जैसे, है ना? तो इमेजिन करिए आपके शरीर में नीला रंग प्रवेश कर रहा है, आपको हील कर रहा है।
हर अंग, हर चीज जो आपको अच्छी नहीं लगती अपने शरीर में, उसे भी वो ठीक कर देगा। उसको फील करिए, नीले रंग को अपने शरीर में प्रवेश करते हुए फील करिए। उसका बीजा अक्षर है हम। उसका बीजा अक्षर है हम। आपको हील कर रहा है वो नीला रंग आसमान से नीचे आके, तारे भी साथ में लाया है, शरीर पे छोड़ दिए हैं आपको हील करने के लिए, टिमटिमाते हुए सुंदर सुंदर हील हो जा रहे हैं आप, हील हो गए हैं आप, हो गए हैं हील। अब हम हील करते हैं थर्ड आई चक्र। इसका रंग ना इंडिगो का है, बड़ा सुंदर वाला इंडिगो है ये। जब शरीर को छूता है ना तो ऐसे लगता है शिव भगवान ने अपना हाथ रख दिया हो मेरे ऊपर, वैसा वाला। दो आंखों के बीच में और दो आईब्रोज के बीच में है ये चक्र, पर बहुत कुछ करता है ये। इमेजिन करिए वॉयलेट लाइट आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और आपको हील कर रही है। इतना खूबसूरत है वो रंग, शरीर के हर अंग में पहुंच गया है और मुझे हील कर रहा है। मुझे एक दूसरी दुनिया में ले जा रहा है वो, जहां सब कुछ नीला है, इंडिगो है, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा कि मुझे हर तरह से हील कर रहा है, पूरी तरह हील कर रहा है। हाँ, मेरे शरीर में है वो, अब हील कर रहा है मुझे। मेरे मन में जितनी शंकाएं थी सबको मिटा दे रहा है वो, हील कर रहा है मुझे। और उसका बीजा अक्षर जानते हैं क्या है? इस दुनिया का सबसे बड़ा शब्द, ओम। ये बीज मंत्र, इसमें इतनी वाइब्रेशन है कि कैंसर के आदमी को भी ठीक कर सकता है। ये पृथ्वी को चला रहा है और आपके शरीर को भी। अपने शरीर में इस ओम को फील करिए, देखिए आप कहां से कहां पहुंच जा रहे हैं। एक बार सोच के देखिए कहां पहुंच गए हैं आप।
हाँ, अब ये आपको हील कर रहा है। वो पर्पल कलर के फ्लावर्स आपके हाथों में है और ये आपको हील कर रहा है, हील कर रहा है, हील कर रहा है और हील कर रहा है। अब आप हील हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं और हील हो गए हैं। एक सुंदर सा इंसान एक सुंदर से शरीर में, एक सुंदर से मन में और एक सुंदर से सोल में आ गया है और आप हील हो गए हैं, आप हील हो गए हैं। अब हम आखिरी चक्र को, जिसको हम क्राउन चक्रा बोलते हैं, उसको हील करते हैं। वो पर्पल कलर का रंग आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है, आपके क्राउन से आपके शरीर में आ जा रहा है। ऊपर से लेके नीचे तक शरीर का हर अंग प्रति अंग, हर कण जो आपके शरीर में है, उस शरीर के उस कण में चले जा रहा है, हर कण में, जिसको जिसे चाहे आप हील कर सकते हैं। इमेजिन करें वो पर्पल कलर आपके शरीर में, आप हील हो चुके हैं। आपका हर अंग हील हो चुका है, आप हील हो चुके हैं। और इसका बीजा मंत्र है अहम, हम हम। इसको लोग आहा भी बोलते हैं, इसको आप अपने शरीर में फील करिए, इसकी वाइब्रेशन को अपने शरीर में फील करिए। ये पर्पल रंग आपके शरीर को बिल्कुल हील कर दे रहा है। अब आप हील हो गए हैं, एक बिल्कुल नए सोल के साथ। उसकी पूरी मिट्टी की परतें चली गई हैं जो हम पे लग गई थी। अभी जाके मैं शीशा देखूंगी ना, तो कोई और ही नजर आएगा। उसमें दो दो रंग नजर आएंगे, एक वो रंग जो मैं पहले था और इस पे अब एक नया रंग चढ़ गया है, जो रंग बहुत खूबसूरत है। वो खूबसूरत रंग जो उस परम पिता परमात्मा ने मुझे दिया था जब मैं इस नए शरीर में प्रवेश किया था, वो पुराने सोल को लेके। वो सोल तो मेरा हजारों साल पुराना है, कितने शरीर लेके बैठा है मालूम ही नहीं, है ना। तो अब हम हील हो चुके हैं। इस मेडिटेशन को आप रोज कर सकते हैं, जितने बार करना चाहें। लेकिन अगर 21 दिन रोज करेंगे ना, तो सब चक्र खुल जाएंगे और जितनी बार मैं शीशा देखूंगा, एक नया ही इंसान नजर आएगा, जिसमें ना डर होगा ना भाव। कितना खूबसूरत जीवन हो जाएगा ना, जिसमें डर ही ना हो और मैं एक बच्चे के जैसे बन जाऊं। बच्चा जो डरता ही नहीं है किसी चीज से, है ना, तभी तो वो जलती हुई आग को भी हाथ लगा लेता है, ठंडे पानी को भी हाथ लगा लेता है, वो डरता नहीं है। डर तो हम अपने शरीर में रोज की तरह पैदा कर लेते हैं, है तो नहीं। अपने दोनों हाथ मलिए, अपने पाम्स को अपनी आंखों पे लगाइए, धीरे से
जितनी एनर्जी आपने अभी इकट्ठी करी है, एकत्रित करी है, वो आपके पाम से, आपके हाथों के पाम से आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। नमस्कार आप सबकी, हरप्रीत कौर कंधारी, नमस्ते। गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज पेन। पेन इजंट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कैरी। Often our conditioning speaks of nurturing and continuing living with pain as a part of the family legacy, buried under the guilt